वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं गुरुब्रह्मा गुरुविष्णुं गुरुदेवो महेश्वरं गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री राधा कृष्ण मंदिर में आए हुए सभी भक्तजनों का स्वागत है। हम गीता के ऊपर सोच रहे हैं और गीता का जो चौथा अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थ अध्याय, ये जो अध्याय है ये बहुत ही अगत्य का है। वैसे सब अगत्य के हैं मगर ये ज़्यादा अगत्य का इसलिए क्योंकि दोज पीपल हु थिंक दैट दे आर इंटेलेक्चुअल पीपल, दोज पीपल हु थिंक दैट दे वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, they want to think that they are responsible by getting a thought, by getting a life, उसके लिए जिसको ये लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो वो लोगों के लिए ये ज़्यादा ही ये applicable, ऐसा ये ज़्यादा ही applicable ऐसा ये अध्याय है। ज्ञान से कर्म में संन्यास, कर्म में संन्यास ज्ञान से, मतलब व्यक्ति कर्म करता रहता है और मगर वो सन्यासी के जैसे कर्म करता है और वो सन्यासी के जैसे कैसे कर्म करना चाहिए उसके लिए ज्ञान होना चाहिए। टू डू एनी एक्टिविटी यू मस्ट हैव द नॉलेज हाउ टू डू द जॉब, हाउ टू डू द एक्टिविटी, और इसके लिए ये जरूरी है कि हम ये अध्याय को समझें। और ये अध्याय में फिर आगे हम जो एक श्लोक आया है 4th chapter 13th श्लोक चातुर्वर्ण, बहुत ही गहरा संबंध है इसका समाज के साथ में, इसका बहुत ही गहरा उपयोग है आज की तारीख, और उसके लिए हम लोग सोच रहे थे। ये जो श्लोक था 13th श्लोक 4th chapter वेरी एप्लीकेबल एंड ऑल्सो इट हाउ इट हैज़ बीन मिसअंडरस्टूड एंड मिसजज बाय सो मेनी पीपल विच इज़ इंक्लूडिंग द लोकल पीपल हु वेर पार्ट ऑफ इट, जैसे भारत के खुद के लोग और इन्वेडर्स, उन्होंने कैसे उसको मिसयूज़ किया, why and how do the invaders like to destroy the culture of the country which they have invaded and how that guarantees to rule them forever and ever। जितने भी invade किए हुए countries हैं उसको अगर rule करना है आपको हमेशा के लिए, तो आप उसका culture तोड़ दो, आप उसके लोगों को मारेंगे, आप उसको लोगों को परेशान करेंगे, आप उसके लोगों को ऊपर बहुत ही जुल्म करेंगे, तो भी वो जिंदा रहेंगे, उनका कल्चर जिंदा रहेगा। उसका कल्चर मानना अगत्य का होता है जो इन्वेजन करते हैं उसके लिए, तो वो लोगों ने भी वो चीज़ के लिए ये 13th श्लोक का यूज़ किया। चातुर्वर्ण माया सुष्टम गुण कर्म विभाग तस् कर्तार विमान विद्या कर्तार एवं विमान, कि ये जो है चतुर्वर्ण वो आपने बनाया और चतुर्वर्ण ऊंच नीच बताता है, अस्पृश्यता बताता है, अनटचेबिलिटी बताता है, तो इसके बारे में हम लोग सोच रहे थे why they did it। मगर हम लोगों ने सोचा कि दूसरे जो सोचते हो गलत चाहे कुछ भी हो, हम खुद अपने बारे में सोचें कि चातुर्वर्ण क्या है, तो हम लोग उसके बारे में सोच रहे थे। चातुर्वर्ण क्यों है, जन्म से कर्म में स्वभाव, जिसका जन्म से कर्म स्वभाव ही ऐसा है, शेर का बच्चा पैदा होगा तो दहाड़ेगा ही, पंछी का बच्चा पैदा होगा तो उड़ेगा ही, अगर प्राणियों में है तो मनुष्य में क्यों नहीं, मनुष्य में भी वो पैदा होता है तो वो अपने गुण और कर्म को लेकर पैदा होता है। तो हम लोगों ने देखा था, बाद में हम लोगों ने देखा कि पुनर्जन्म का जो साइंस है वो कैसे डायरेक्टली, हाउ इट इज़ डायरेक्टली मीटिंग, हाउ इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द चातुर्वर्ण एंड हाउ इट इज़ हेल्पिंग एंड असिस्टिंग हैंड टू हैंड फॉर द चातुर्वर्ण, दैट इज़ व्हाट वी सी। बाद में हम लोगों ने देखा कि ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और वैश्य उसके डेफिनेशंस क्या है, उसका मतलब क्या, यह है कि कोई ऊपर नीचे है, वो लोग उसके बारे में हम लोगों ने सोचा। और फिर एक वैश्विक व्यवस्था के बारे में, जैसे हमारे वैदिक लोगों ने सोचा, हमारे ऋषियों ने सोचा वैदिक व्यवस्था के बारे में, वैश्विक व्यवस्था के बारे में, क्या कि अगर पूरे विश्व को एक अगर पुरुष माना जाए, थिंकिंग एज्यूमिंग that if the whole universe is considered as a human being,
तो उसकी जो इंटरनल ऑर्गन सिस्टम्स, उसकी जो अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, व्यक्ति व्यवस्था, समाज व्यवस्था, संस्कृति व्यवस्था, वो कैसे रहेगी, कैसे चलेगी, और उसमें कौन से प्रकार के लोग उसके अंदर कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, उसके लिए यह डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। और इसलिए वो उसका जो पुरुष सूक्त है उसमें कहा गया, ब्राह्मण स मुखमासित बहुराजन्य कृतः उरु तदस्य यद्वेषम पद्मयागुम शूद्रो अजायतः। उसमें कौन से प्रकार के लोग क्या प्रकार का उसमें काम करेंगे, जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर हाथ पैर मस्तक पैर और पेट जो काम करता है, वो हिसाब से समाज के अंदर वो कैसे काम करेगा, उसके बारे में हम लोगों ने सोचा। फिर हम लोगों ने सोचा कि वर्ण व्यवस्था कैसे व्यक्ति को जिंदगी में आगे करके लेके जाती है। फ्रीडम, द डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम, वी थॉट अबाउट डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम इन ग्रेट डिटेल, फ्रीडम इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल, फ्रीडम इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, फ्रीडम इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स। हम लोगों ने देखा फ्रीडम इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, देखा अगर मुझे कुछ करना है तो मैं नहीं कर सकूँगा, क्यों, क्योंकि मुझे कमाना पड़ेगा, मुझे जो अच्छा लगता है मैं नहीं करूँगा। बच्चा पेंटिंग अच्छा करता है मगर पिताजी बोलेंगे तो कंप्यूटर इंजीनियर होगा, क्योंकि अगर तो कंप्यूटर इंजीनियर नहीं होगा तो तुझे पैसे नहीं मिलेंगे, वो तो अपनी जिंदगी नहीं चला सकता। तो ये कहाँ की फ्रीडम ऑफ एजुकेशन होगी, हम कहते हैं एजुकेशन फ्री फॉर एवरीवन, इट इज़ नॉट फ्री, इट इज़ कंपेयर्ड। फ्री एजुकेशन का मतलब क्या है, फ्री एजुकेशन का मतलब एजुकेशन फ्री नहीं है, इससे डिफरेंस। तो वो हम लोगों ने देखा था डिटेल में। उसके बाद में हम लोगों ने फाइनेंशियल फ्रीडम के अंदर वीमेन एंड वीमेन लिबरेशन, उसके बारे में लास्ट टाइम देखा। हाँ, तो वीमेन्स आर लिबरेटेड, हम लोग यहाँ अब आज के ज़माने में हम लोग जब स्त्री शिक्षण, स्त्री स्वतंत्रता उसकी बात करते हैं, तो सचमुच में समाज के अंदर स्त्रियों में कैसे स्वतंत्रता रहेगी, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। और फिर हम लोगों ने एग्जाम्पल्स भी देखे बहुत सारे। हाँ, पुराने ज़माने में लड़कियों को पढ़ने नहीं जाया देते थे ऐसे बोलते हैं, तो हम लोगों ने उभया भारती का एग्जाम्पल देखा। उभया भारती इतनी बड़ी, इतनी ज़बरदस्त एक स्त्री शक्ति का एक रिप्रेजेंटेशन है, वो ज़माने में इतनी इंटेलेक्चुअल, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। मंडन मिश्रा जी की पत्नी, और उसके बारे में हम लोगों ने देखा वर्किंग इन ओन फील्ड डज नॉट मीन, हाँ, खुद का धंधे के ऊपर बैठना वो नौकरी नहीं है। इसलिए कोई बोलेंगे अरे आप लोगों में तो फिर भी काम करते थे, औरतें जाती थी हाँ सिर के ऊपर वो लेके खाना लेके खेत में जाती है, वो हस्बैंड के लिए ये करती है, वो कटाई करती है, ये सब करती है, तो काम तो करती ही है, वो जॉब नहीं है। आज की तारीख में आप सोच लें कि एक कोई बहन जी है, उसको सुबह 8 बजे उठ के जाना पड़ता है, हाँ बॉस को रिपोर्ट करनी पड़ती है, सर आई विल डू दिस सर, यस सर, यस सर आई विल डू दिस सर, हाँ बच्चा छोटा घर में है चिंता नहीं, पहले आई विल डू दिस सर करना पड़ता है। खेत में जो किसान था उसकी पत्नी थी उसको ऐसा नहीं करना पड़ता, जाती है नहीं भी जाती है, बच्चा छोटा है घर में बैठी है, बच्चा छोटा है गोद में लेके जाती है खाना देने के लिए हस्बैंड को, उसमें और नौकरी में फर्क है। लिबरेशन ऑफ वीमेन किसको कहेंगे, उसके बारे में हम लोगों ने सोचा था। ये श्लोक हम लोगों ने 3 सेशन से देखा है, और फिर इसकी इम्पैक्ट क्या होती है सोसाइटी के ऊपर, क्वालिटीज़ बाय बर्थ एंड क्वालिटीज़ बाय ट्रेनिंग और बोथ, ये पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने सोचा। वी थॉट अबाउट दैट द लॉ ऑफ रीबर्थ एंड सिलेक्शन ऑफ द फैमिली टू गेट द रीबर्थ, देन पॉसिबिलिटी ऑफ चेंजिंग द स्किल्स। हाँ, किसी ने पूछा क्या, अरे तो क्या मैं ब्राह्मण हो गया तो ब्राह्मण ही रहूँगा, शूद्र रहूँगा तो शूद्र ही रहूँगा। तो हम लोगों ने उसका एग्जाम्पल लिया था लास्ट टाइम, ये घंट का ही, हाउ मच हाइट द बेल ऑफ द टेम्पल शुड बी। हाँ, कोई कहेंगे ऊँचा रखो तो फिर बाकी लोग पहुंच नहीं सकें, कोई कहेंगे नीचे रखो तो सबके सिर पे टिक रहे, नहीं एवरेज हाइट क्या है 5.5 फुट, फिर आदमी हाथ ऊपर करेगा तो 6 फुट के ऊपर घंट रखो। हाँ, द रूल्स एंड द लॉज ऑफ द सोसाइटी इज मेड बाय द मासेस एंड नॉट बाय द क्लासेस। अगर ऐसे घंट रख दिया फिर एक आदमी आएगा, हाँ मानव अधिकार विनियोग उसका जो कोई बड़ा चेयरमैन आएगा, हाँ ह्यूमन राइट्स सोसाइटी, वो बोलेगा व्हेन यू कीप ए बेल लाइक दैट एट 5.5 फीट, ए पर्सन हु इज 3 फीट एंड इनकैपेबल अनेबल टू वॉक एंड हु इज इन द वॉकिंग चेयर इज अनेबल टू रिंग द बेल, दैट मींस यू आर डूइंग इनजस्टिस एंड अनटचेबिलिटी फॉर द हैंडीकैप। ऐसा रख सकते हैं उसके लिए, क्या यहाँ पूरे घंट की लाइन रखेंगे, नहीं रख सकते। द रूल इज बाय द मासेस एंड नॉट फॉर द क्लासेस। वैसे वर्ण व्यवस्था में थोड़ी बहुत इधर उधर होती है, तो वर्ण व्यवस्था में चेंजिंग की भी पॉसिबिलिटी थी, और उसमें हम लोगों ने देखा विश्वामित्र ने चेंज किया, वाल्मीकि ने चेंज किया, व्यास ने चेंज किया,
हम लोगों ने उसको सिर पे चढ़ाया। वाल्मीकि ने रामायण लिखी, एक पारधी हंटर उसने बोला रामायण लिखी, हम लोग सिर के ओले के ऊपर घूमते हैं, इसलिए उसमें ऊंच नीच नहीं है। ये हम लोगों ने समझा, हम लोगों ने क्या क्या समझा ये भी समझना पड़ेगा। वी हैव कम थ्रू ए लॉन्ग वे ऑन दिस चातुर्वर्ण माया सिस्टम। और फिर उसके बाद में एजुकेशन सिस्टम, हाँ वो अनइक्वल थी, तो उसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया राम ने बात की, किससे बात की, जटायु से बात की, हम लोगों ने जटायु का एग्जाम्पल लिया। जटायु मतलब पंख वाला जो होता है बर्ड, बड़ा वल्चर, हाँ जटायु मीन्स वल्चर, वल्चर नहीं था वो, जो लोग पहाड़ के ऊपर रहते हैं इधर उधर पहाड़ से इधर से उधर जाते हैं, इधर से उधर जाते हैं, रस्सी लगा के इधर उधर चलते हैं, उसको बोला गया लोग पहाड़ के ऊपर जैसे उड़ रहे हैं, तो उसको एग्जाम्पल दे दिया जटायु। तो उसने देखा जब ऊपर थे तो के, किसने देखा, जटायु ने देखा कि रावण सीता को लेके गया। हाँ कैसे देखा, क्योंकि वो लोग माउंटेन के ऊपर थे, माउंटेन से उसको विमान जाते हुए दिखा और उसमें देखा उसने कि सीता को लेके गए। तो राम ने जटायु से बात की, राम ने सुग्रीव से बात की, राम ने बंदरों से बात की, राम ने रीछ से बात की, राम ने ऋषि मुनियों से बात की। तो कम्युनिकेशन मेथड, द कॉमन लैंग्वेज अमंग द पीपल, राइट फ्रॉम द बॉटम टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन एंड नॉट द स्टेटस। लेट मी रिपीट, सो व्हाट इज द कॉमन लैंग्वेज, हाउ डिड इट हैपन, बाय द कॉमन एजुकेशन। सो वर्ण व्यवस्था गिव्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ कॉमन एजुकेशन एंड नॉट एज अ फ्री एजुकेशन। बाय द वे इट वॉज ऑलरेडी फ्री बिकॉज गुरुकुल में फ्री था। हम लोग बोलते हैं कृष्ण और सुदामा दोनों जाते थे शांतिमणि ऋषि के आश्रम में, हाँ तो एक राजा का लड़का और एक सिंपल ब्राह्मीण का लड़का दोनों साथ में कैसे पढ़ सकते थे? क्या आज हम लोग सोच सकते हैं कि मेरा लड़का बिल गेट्स के लड़के के साथ में पढ़े? नहीं सोच सकते। तो फिर आज ऊंच नीच ज्यादा है या वो जमाने में ऊंच नीच ज्यादा था? सोचना पड़ेगा। और लोग हमें आज ब्लेम करते हैं तुम्हारी वर्ण व्यवस्था ऊपर नीचे थी, हाँ अस्पृश्यता था, बहुत गलत समझाया है, मगर हम उसमें नहीं जाएंगे, हम खुद समझेंगे। फिर उसके अंदर अभी क्वेश्चन आया, लास्ट टाइम हम लोग वहां रुके थे कि नहीं एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल, एकलव्य। हाँ एकलव्य बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, एकलव्य का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और वो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट भी है। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल ऑफ एकलव्य, हु वाज एकलव्य। सो द स्टैंडर्ड स्टोरी ऑफ नोइंग एकलव्य इज के गुरु द्रोण थे, उसके वो सिखाते थे कौरवों को और पांडवों को। उतनी देर में एक बहुत ही गरीब सा लड़का, हाँ हाउ द स्टोरी इज मेंडेड, हाउ द स्टोरी इज मेंडेड, एक बहुत ही गरीब का लड़का आया और उसने बोला गुरुजी आप मुझे भी सिखाओ, और गुरु द्रोण ने बोल दिया मैं तुझे नहीं सिखाऊंगा। फिर वो बाहर गया, जंगल में गया, गुरु द्रोण की मूर्ति बनाई और फिर उसके सामने उसने सीखा और वो बहुत बड़ा तीरंदाज बन गया, बहुत बड़ा तीरंदाज बन गया। एक दिन उसके सामने एक भौंकता हुआ कुत्ता आया, तो उसने ऐसे तीर मारा, एक तीर, दूसरा तीर, तीसरा तीर, सात के सात तीर वो कुत्ते के मुंह में चले जाएं मगर कुत्ते को इंजरी ना हो, और वो भी कैसे वन बाय वन मारा मगर गए सब साथ में। हाँ तो पहला जो मारा रहेगा वो इतना स्लो मारा ताकि दूसरा उससे फास्ट, तीसरा उससे फास्ट, चौथा, जब भी तो सात के साथ एक साथ में जाएंगे ना कुत्ते के मुंह में, नहीं तो कुत्ते के मुंह में एक तीर जाएगा वो ऐसे करके फेंक देगा, नहीं साथ के साथ साथ में गए। कितनी टेक्नोलॉजी, हाँ आज भी वो टेक्नोलॉजी नहीं है, पेट्रियट मिसाइल एक फेंका तो दूसरा पेट्रियट मिसाइल उसके स्पीड में ही जाता है। कैन यू डिलीवर द मिसाइल्स विद वेरिएबल स्पीड्स, कैन यू डिलीवर इट नाउ, इवन नॉट टुडे? ऐसे मिसाइल आज की तारीख में है कि सात मिसाइल छोड़ेंगे मगर साथ के साथ एक साथ में कूदेंगे? नहीं, इधर मारा वो उधर टूटा, इधर मारा उधर टूटा, इतना टेक्नोलॉजी एकलव्य ने सीख लिया, सात तीर साथ में मारा। फिर गुरु द्रोण का वो कुत्ता जो मुंह में तीर था वो आया, पांडवों का कुत्ता था वो, हाँ उसने कहा अरे इसके मुंह में इतने सारे तीर किसने मार दिया, वो भी ऐसा कि कितना भी इंजरी ना हो, वो इतना ही जाना चाहिए कि कुत्ते के मुंह में जाके रुक जाना चाहिए, उसने जाना चाहिए, इतना इतना टेक्नोलॉजी किसने बनाया? वो गए, स्टोरी आगे चलती है, गुरु द्रोण गए, देखा तो अरे मैं आपका ही शिष्य हूँ, मैंने आपकी मूर्ति बनाई है, मैं आपको गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी तुझे, ऐसा क्या, हाँ तुम्हारा अंगूठा दे दो, अंगूठा काट के दे दिया। उसकी पूरी की पूरी जो तीरंदाजी थी वो चली गई। कितना इनजस्टिस, ऐसे सिखाया जाता है, ऐसे स्टोरी बताई जाती है ना हमें, हाउ मच इनजस्टिस यू आर डूइंग टू एकलव्य बिकॉज ही इज ए पुअर सन फ्रॉम ए भील कम्युनिटी, हाँ अनटचेबल कम्युनिटी, ऐसा ही तो सिखाया जाता है ना हमें, हमें स्टोरी कैसे बताई गई, ऐसे ही बताई गई। हाँ
अनटचेबल, दलित, दलित ऐसा शब्द बना है ना, दलित, वो पैदा हुआ उसको खुद को ही लगता है मैं दलित हूं, अरे तू भगवान का लड़का है, दलित कैसे हो सकता है? एनीवे ऐसा सिखाया जाता है। तो वी विल अंडरस्टैंड ये स्टोरी के बारे में, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करें एकलव्य। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि गुरु द्रोण था, उसका आश्रम नहीं था, गुरु द्रोण का आश्रम नहीं था, ही वॉज ए पेड सर्वेंट, इट वॉज ए गवर्नमेंट पॉलिटिकल सपोर्टेड इंस्टीट्यूशन, द डोनेशंस ऑफ द इंस्टीट्यूशंस आर कमिंग फ्रॉम द रूलर, उसका था ना, भीष्म ने बोला कि तुम मेरे बच्चों को पढ़ाओ, हमारे राजकुमार को पढ़ाओ, गुरु द्रोण हैड नो अपॉर्चुनिटी और ऑथोराइजेशन, who is going to come and who is not going to come, he sold himself, that is why, so guru dron ka jo tha wo ashram nahi tha, wo institution tha, private institution, difference between a public school and a private school, that was the guru dron ka ashram, wo ashram nahi tha, uska institution, sabse pehle ye samjhenge, varna vyavastha mein ashram vyavastha hai, isliye guru dron usko jo na bola uske piche reason hai, He cannot allow everyone to come and join the school. उसमें injustice नहीं है, it is a rule of the institution. ये पहले समझना पड़े। फिर दूसरी बात, हाँ उससे भी ज्यादा important बात, हाँ गुरु द्रोण was a dynasty, he was a paid teacher from Kuru dynasty, and it was not a public school. एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मोर देन दैट, क्योंकि ऐसी स्टोरी परशुराम और कर्ण की भी है, कर्ण को भी परशुराम ने श्राप दे दिया ना, हाँ वो स्टोरी समझनी पड़ेगी। एनीवे ये गुरु द्रोण की एकलव्य की स्टोरी में, दूसरी बात ये है कि ये जो एकलव्य था वो कौन था, कौन था वो, जन्म से तो शायद भील रहेगा, जन्म से शायद वो भील रहेगा, मगर वो कौन था, वो हिरण्यधनु का लड़का था, ही वॉज द सन ऑफ हिरण्यधनु, और हिरण्यधनु कौन था, वो जरासंघ का सेनापति था, जरासंघ का सेनापति हिरण्यधनु, और उसका लड़का आता है और कहता है मुझे टेक्नोलॉजी सिखाओ, सिखानी चाहिए। वो एक दुश्मन देश है, और दुश्मन देश का एक आदमी आता है और तुम्हारे इंस्टीट्यूशन में आता है, बोलता है मुझे सिखाओ, ज्ञान तो सबके लिए होता है, ज्ञान तो फ्री होता है, ज्ञान सबको मिलना चाहिए, कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, तो क्या सिखाएंगे? दुश्मन देश का लड़का आता है और बोलेगा मुझे आपकी टेक्नोलॉजी बताओ, बताएंगे? नहीं बताते। यहां आप जाके बोलो मुझे मिसाइल टेक्नोलॉजी सीखनी है, रॉकेट टेक्नोलॉजी सीखनी है, हाँ सुपरसोनिक मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी सीखनी है, सिखाएंगे? कोई सिखाते नहीं, सिखाते भाई, it is going into a wrong hand, the possibility of that it is going to go in a wrong hand, it may be worked against you, aapke samne uska upyog hoga, jarasankh aur kuru aamne samne the, wo ek sath mein nahi the, how can you teach the technology, so he has to say no, and even if it is stolen, wo technology ko steal kiya gaya, uski murti banayi matlab kya, steal kiya gaya, नहीं वो मूर्ति बनाई, आज की तारीख में ले लो आपकी होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, आईडी स्टीलिंग, हमारी आईडी स्टील करते हैं ना, फेक आईडी बनाते हैं, बाद में बैंक में जाते हैं, बोलते हैं भैया $10,000 दे दो, 10,000 लेके निकल गया, अरे तुम्हारी ड्राइविंग लाइसेंस थी, हाँ तो वैसे ही गुरु द्रोण की फेक आईडी बनाई गई और उसके हिसाब से वो स्टोरी बनाई गई, वो हिसाब से उसकी एजुकेशन सिस्टम हुई, तो गुरु द्रोण को जब पता चला कि मेरी फेक आईडी के साथ में तुमने ये एजुकेशन ली है, गिव मी योर थंब नॉट टू ऑपरेट दिस टेक्नोलॉजी बिकॉज यू यूज माई फेक आईडी, दैट इज व्हाट द स्टोरी इज, ये स्टोरी है एकलव्य की, स्टोरी ऊंच नीच की नहीं है, ये समझना पड़ेगा, क्योंकि यही स्टोरी बता बता के हमारे पूर्वजों से लेके अभी तक इतना दिमाग के ऊपर मार मार के ऐसा बता दिया कि जब एकलव्य की स्टोरी आती है ना, हम लोगों को लगता है शर्म के मारे डूब जाएं, हाँ अरे रे कितने गलत कर दिया है मेरे अनसेस्टर्स ने, क्योंकि सच्चा नहीं सिखाना है, मैंने बोला ना इन्वेडर्स विल नेवर लाइक यू टू बी प्राउड ऑफ योर कल्चर, दे विल ऑलवेज लाइक यू टू डिमिनिश द प्राइड द आइडेंटिटी, That is what is going to be. ऐसा होता है।
ये हमारे साथ में हुआ 300 साल, 400 साल, 700 साल। और इंडिया में इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस दुद्ध बदल, तुम दलित हो, तुम दलित, अरे क्या दलित हो, वो अभी भी वही है। स्वतंत्रता का मीनिंग हम लोगों ने देखा था, स्वतंत्रता क्या होती है, स्वतंत्रता क्या है हम लोगों ने देखा था। स्वतंत्रता सिर्फ पॉलिटिकल स्वतंत्रता नहीं होती, कल्चरल स्वतंत्रता ये सच्ची स्वतंत्रता है, उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। विल गो अहेड, परशुराम का भी यही स्टोरी है। परशुराम के पास में कर्ण गया, उसने भी क्या किया, फेक आईडी है ना, उसने बोला मैं तो ब्राह्मण हूँ। परशुराम ने सिखा दिया, सिखाने के बाद पता चला उसको भंवरे ने काटा। जिसको स्टोरी नहीं पता है गूगल कर ले, स्टोरी बताने का यहाँ टाइम नहीं है, यहाँ शास्त्र बताने का टाइम। हाँ, तो कर्ण का पता चल गया, फेक आईडी तुझे बताई थी, वो पता चल गया, तूने मुझे फेक आईडी बताई, उसको शाप दे दिया, यू कैन नॉट यूज दिस टेक्नोलॉजी। हाँ, ये है, ये परशुराम और कर्ण की स्टोरी है। वहां वो भील का लड़का है ना, थोड़ा सब लोग को ज्यादा सेंसिटिविटी बनाते बता देते थे। हाँ, कर्ण में वो सेंसिटिविटी कम दिखती है, क्यों, क्योंकि वो क्या राजपूत का लड़का है ना, इसलिए उसमें उतना बीटिंग नहीं करते, मगर बात तो सेम पॉइंट के ऊपर ही करते हैं। करे ब्राह्मण का लड़का को आप परशुराम पढ़ाते हैं, आपका अंशावतार, हाँ, भगवान ने डिस्क्रिमिनेशन किया है, सोच लो, आपके भगवान ने, जो आप परशुराम अवतार कहते हैं, वो परशुराम ने डिस्क्रिमिनेशन किया और कर्ण को नहीं सिखाया, और सिखाया तो उसका जब फेक आईडी हो गया तो वापस ले लिया। डिस्क्रिमिनेशन अमंग द पीपल फॉर टीचिंग द टेक्नोलॉजी, ऐसे बताते हैं, क्या क्या उल्टा सिखाते हैं। और फिर हम लोग उसको मान के, ओ बहुत बुरा, बहुत बुरा, हाँ बहुत बुरा। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टोरीज हम लोगों ने दो की, बहुत सारी स्टोरीज है, बात कर सकते हैं, मगर दिस आर टू कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टोरीज। क्या सिखाया गया, क्या सचमुच में था, और क्या मीनिंग होना चाहिए, ये बताते हैं। तो ये जो चातुर्वर्ण की बात हुई, आगे चलते हैं। सो यहां जो सेकंड स्टांजा है, द सेकंड स्टांजा इज तस्य कर्तारपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम्। हाँ, भगवान कहते हैं दो आई एम द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, दो आई एम द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। अरे ऐसे कैसे, तुमने पूरी दुनिया बना दी और फिर बोलते हो कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं बनाया, ये क्या है, ये क्या है। कोई कहता है मैंने किया, मैंने दुनिया बनाई, ऐसे बोलते हैं, बाद में बोलते हैं मैं कुछ नहीं करता, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता ना। एक बार से बोलते हैं कि मैंने दुनिया बना दी, दूसरी बार से बोलते हैं मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, तो करना है क्या, मतलब द डेफिनेशन ऑफ करना, द डेफिनेशन ऑफ कर्म। हाँ, करना क्या होता है, हमारा जो करना होता है ना वो धक्का से होता है, हमारा जो कुछ भी करना है ना, हमारा जो कुछ भी एक्शन से, वो धक्के से होता है। मुझे पढ़ना है इसलिए हम स्कूल में जाते हैं, मुझे कमाना है इसलिए हम धंधा नौकरी करते हैं, मुझे ब्यूटी क्वीन बनना है इसलिए फिर हम लोग बॉडी वगैरह वर्जिस करते हैं और जाते हैं हरीफाई में भाग लेते हैं कॉम्पिटिशन में, ऐसे अलग अलग। हाँ, मुझे एक्टर बनना है इसलिए हम लोग एक्टिंग क्लास में जाते हैं, बाद में हीरो बनते हैं, ऐसे अलग अलग। हमारा जो कोई भी काम है वो धक्के से होता है, इसलिए हमारे में कहा गया, वल्लभाचार्य ने कहा लीला कैवल्यम। हाँ, भगवान कोई काम करते हैं लीला करने के लिए, वो लीला शब्द का भी बहुत मिस यूज किया गया। एनीवे, भगवान लीला करने के लिए काम करते हैं, ही इज डूइंग दैट वर्क विदाउट एनी कॉज। कॉज के बगैर जो काम होता है वो काम अगर मनुष्य भी करे तो उसका उसको धक्का नहीं है। और उसका एक उसका हम लोगों ने एग्जाम्पल पहले देखा था, सेवा। हाँ, जिंदगी में कर्म से कैसे निवृत्त हुआ जाए, उसके लिए हम लोगों ने 5 अलग अलग मेथड देखी थी करीबन 3 सेशन पहले। पांच अलग अलग मेथड, उसमें से एक था सेवा, सेल्फलेस वन, सेल्फलेस। तो ये है, अभी इसकी एग्जाम्पल कैसे रहेंगे, अगर भगवान ने दुनिया बनाई और फिर भी बोलते हैं मैंने नहीं किया, तो हाउ डू वी एग्जैक्टली अंडरस्टैंड इट। सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ इन्फेंट, छोटा सा बच्चा है, 1-1.5 साल का बच्चा है, घर में इधर उधर घूमता है, उसकी माँ देख रही है, और वो बच्चे ने कुछ ऐसे ऐसे करके ऊपर से गिलास गिराया और गिलास टूट गया, कांच का गिलास था, कांच का गिलास टूट गया।
तो हम लोग बोलते हैं बच्चे ने कांच का ग्लास तोड़ दिया, बच्चे ने कांच का ग्लास तोड़। फिर माँ बोलती है, माँ को पूछा जाए, हस्बैंड आता है घर पे शाम को, अरे मुझे बहुत पसंद था, उसमें मैं रोज चाय पीता था, कहाँ है मेरा ग्लास? बोलते हैं तोड़ दिया। माँ बोलती है मैंने नहीं तोड़ा, ये बच्चे ने तोड़ा। हाँ ऐसे बोलती है ना माँ, मैंने नहीं तोड़ा, बच्चे ने तोड़ा। तो अगर पिताजी बोले बच्चे ने तोड़ा तो क्या, बच्चे की क्रिएटर तो तू ही है, तो फिर तूने ही तोड़ा, बिकॉज यू आर क्रिएटर द किड, यू आर द मदर ऑफ द किड, तो तोड़ा तो तेरा ही जिम्मेदारी है। ऐसा होता है? नहीं होता है ना, बच्चे ने तोड़ा। पिताजी ने वो माँ को नहीं डांटा, बच्चे को बोला ऐसा मत कर। कैसे? माँ ने क्रिएट किया हुआ बच्चा है, मगर माँ बोलती है मैंने क्रिएट किया है, मगर ये सब जो हो रहा है वो मैं नहीं कर रहा हूं। हाँ हमारे घर में का घर का ही एग्जाम्पल है। माँ बोलती है बच्चे ने तोड़ा है, मगर वो मैंने नहीं तोड़ा, बच्चा मैंने क्रिएट किया, घर मैंने बनाया, मगर घर में जो हो रहा है उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। ऐसे भगवान बोलता है ना, तुम्हारा कर्म करो का मतलब क्या है, मैंने तुमको क्रिएट किया। हम बोल सकते हैं भगवान को, भगवान तुम्हारी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, इतनी बड़ी बाढ़ आ गई, 1,500 लोग मर गए, तो तूने ही मारा? मैंने ही नहीं मारा। हाँ कैसे नहीं मारा, अगर तुम्हारी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता तो मैंने नहीं मारा कैसे होगा? इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यह है, माँ बोलती है ग्लास मैंने नहीं तोड़ा, बच्चे ने तोड़ा। बोल दो बच्चा मैंने पैदा किया। ऐसे भगवान ने दुनिया पैदा की, हाँ मगर उसमें जो हो रहा है उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। तस्य कर्ता अर्पि माम, हाँ मैंने दुनिया बनाई मगर उसके अंदर मैं नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको विश नहीं है। समझना पड़ेगा, बिकॉज द गॉड डजंट हैव द विश, थक्का नहीं है उसके पास कर्म करने का, थक्के के बगैर वो काम करता है, इसलिए कर्म की जिम्मेदारी भगवान लेते नहीं है। तुम्हारे कर्म की जिम्मेदारी तुम लेनी पड़ेगी, भगवान तुम्हारे कर्म की जिम्मेदारी नहीं लेगा, भगवान तुम्हारे कर्म की जिम्मेदारी नहीं ले। और इसलिए कहा कर्मणे वाधिकारस्ते मां भले सुखदाचन, कर्म करने की जिम्मेदारी तेरी, फल की जिम्मेदारी मत। देखिए सब एक साथ में, इट कम्स इन ए कॉम्बो। आप जाते हैं ना रेस्टोरेंट में, जाते हैं ना, देखते हैं एक एक मेन्यू में क्या है, चना मसाला $10, ये $5, ये $5, ये $8, $10, $25, ऐसे देखते हैं ना मेन्यू में। बाद में नीचे आता है कॉम्बो, कॉम्बो 1, कॉम्बो 2, कॉम्बो 3, हाँ ऐसे आता है ना, एक आता है फुल थाली, हाँ फिर उसमें भी और भी एक अलग थाली, बजरंग थाली, हाँ बाहुबली थाली, ऐसे आता है ना खाने में, अलग अलग खाना आता है। कैसे? व्हाट डज इट मीन? देयर विल बी मोर फ्लेवर्स इन द लाइफ, देयर विल बी मोर फ्लेवर्स इन द लाइफ। ऐसे होता है। सो गॉड डजंट हैव द रीजन टू डू द वर्क, यू दो ही हैज क्रिएटेड द यूनिवर्स, दिस इज द डिफरेंस। दो द गॉड हैज क्रिएटेड द यूनिवर्स, ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग। उसका यह मतलब है विद्य कर्तारम अव्ययम, अव्ययम अव्यय, I am the non doer and eternal। व्यय का मतलब होता है खलास होना, धीरे धीरे रिड्यूस होना। हम बोलते हैं ना इसका व्यय हो गया, मतलब वेस्ट हो गया। अव्ययम वेस्ट नहीं होता। हम लोग बोलते हैं देखो कितना वेस्ट हो रहा है, अगर पूरा का पूरा पृथ्वी का गोला गिना जाए तो वेस्ट कहाँ है? इधर का उधर जाता है, इधर का उधर जाता है, वेस्ट कहाँ है? वेस्ट नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ इसीलिए के ऊपर से तो आया रूल, आया ना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। हाँ एनर्जी इज नॉट डिस्ट्रॉयबल, इट इज ओनली बीइंग ट्रांसफॉर्म वन वॉक फ्रॉम वन स्टेट टू अदर। ये साइंस ही है, गीता में साइंस ही कहा उसने, अव्ययम विद्य कर्ता रम अव्ययम। हाँ अव्ययम है, एटर्नल है। डायनासोर्स थे, डायनासोर चले गए अगर थे तो, बराबर तो वो यही के यही रहे ना, कहाँ चेंज होंगे? पोटेशियम टू सोडियम, सोडियम टू कैल्शियम, इधर से इधर, इधर से इधर, वो उतना ही गोले है, उतने गोले के ऊपर ही है सब, बोला भगवान ने। तो ये उसका मतलब है। एंड व्हाई इज ए नॉट डूअर, उसके बहुत सारे रीजन है। नंबर वन, इज नॉट ए मोर्टल बॉडी, हमारी जो एक्टिविटी है मोर्टल बॉडी के रिलेटेड है ना। हाँ सुबह उठना, नाश्ता पानी करना, नहाना धोना, खाना, जॉब के ऊपर जाना, ये सब किसके लिए? मोर्टल बॉडी। हम लोगों को कहा जाए यू डोंट हैव एनी मोर्टल बॉडी, हाँ आज से हवा में से आत्मा के जैसे तुम घूमोगे तो कोई नौकरी ही नहीं करेगा, पेट भरने की चिंता ही नहीं है ना, नौकरी कौन करेगा? नोबडी विल डू द जॉब। पढ़ेगा कौन? कोई नहीं पढ़ेगा, मुझे पढ़ने की क्या जरूरत, मैं आत्मा हूं। अरे भैया पढ़, मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ना भूख, हाँ ना भूख, ना प्यास, ना दुख, ना दर्द। हाँ हमारे संतों ने भी यही कहा, हम लोगों को लगता है बराबर है,
जैसे वो संत वाणी फिनिश हुई बाहर निकले ना, अरे मेरी गाड़ी के ऊपर स्क्रैच हो गया, साला किसने किया? क्योंकि वी आर मॉर्टल बॉडी, उसमें हंसने की बात नहीं है, दिस इज ट्रूथ, भगवान ने बनाया है ऐसा। मगर रियलिटी तो यही है, न दुख न धन्य, हाँ मर गए, मॉर्टल बॉडी यही रह गई। हम लोग ऊपर, ऊपर बोलो नीचे बोलो, कोई बोलते ऊपर जाते, कोई बोलते नीचे जाते। जाने वाले ने कहा नहीं कि मैं कहाँ गया, उसने वापस आके बोला नहीं कि मैं कहाँ गया, तो हमारे लिए तो गैसवर्क ही रह गया। एनीवे, तो ये बिकॉज वी आर नॉट मॉर्टल बॉडी। और दूसरा, ही इज नॉट हैविंग एनी वर्ण, क्योंकि ये यहाँ याद रखना, ये जो श्लोक है चातुर्वर्ण के साथ में कनेक्टेड है। भगवान को वर्ण नहीं है, हम लोगों ने देखा ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य का वर्ण क्या होता है, वर्ण का मीनिंग क्या होता है। भगवान को कोई वर्ण नहीं, भगवान को संपूर्ण, क्योंकि उसको एक्शन नहीं। देखिए वर्ण के साथ में एक्शन कनेक्टेड है, जो मेरा वर्ण है वो हिसाब से मैं काम करूंगा। मगर भगवान को वो काम करने के लिए कोई रीजनिंग नहीं होने की वजह से भगवान को वर्ण नहीं है। हाँ भगवान ब्राह्मण है या क्षत्रिय बोलो, नहीं उसने अवतार लिया क्षत्रिय में लिया, ठीक है, मगर भगवान खुद, भगवान शंकर है, श्रावण महीने चल रहा है, कौन है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य है, कौन है? भगवान को वर्ण नहीं होता, क्योंकि उसको काम नहीं होता, क्योंकि उसको काम करना जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको काम का धक्का नहीं है। तो काम का धक्का नहीं है इसलिए काम की जरूरत नहीं है, काम की जरूरत नहीं है तो उसका वर्ण नहीं है। इसलिए उसने कहा, इसलिए भगवान ने कहा कि मेरे लिए कोई काम ही नहीं है। आई एम द क्रिएटर बट आई एम नॉट द डूअर, आई एम द क्रिएटर बट आई एम नॉट द डूअर। समझना पड़ेगा, सोचना ये सेंटेंस, आई एम द क्रिएटर बट आई एम नॉट द डूअर, कितना गम, कितना डीप तत्व ज्ञान है इसके अंदर। आदमी कहते हैं कि मैंने बनाया है मगर मैं करता नहीं हूं, अरे ऐसा कैसा, ऐसा समझना पड़ेगा। एंड डूइंग इज कनेक्टेड टू वन सेल्फ, डूइंग इज कनेक्टेड टू वन सेल्फ। तो ये जब सेल्फलेस वर्क के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे, मैं ही नहीं करता हूं। और इसमें हमारे संतों ने कहा सब भगवान की मर्जी है, भगवान की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता है। ये सब संतों की बात है, ये सब बड़े बड़े लोगों की बात है जिन्होंने ये ज्ञान प्राप्त किया है। अभी हम लोगों ने ज्ञान प्राप्त नहीं किया, मगर हम लोग सीधे के सीधे, हाँ कोई मूवी है, मूवी के डायलॉग बहुत अच्छे लगते हैं, शोले मूवी के डायलॉग, गब्बर सिंह के डायलॉग, तो बोलते हैं लोग ना तो खुद में गब्बर जैसी ताकत है, ना अकल है, ना हिम्मत है, मगर डायलॉग बोलते हैं। हाँ ऐसे हम लोग संत के बारे में डायलॉग बोलते हैं, संत बोलते हैं भगवान की मर्जी, हम भी बोलते हैं भगवान की मर्जी, हाँ लॉटरी लग गई, हाँ भगवान की मर्जी बोलते हैं, अरे मैंने ली थी, मैंने नंबर सिलेक्ट किया, धंधा अच्छा चलने लगा, मैंने किया, टू पुट द स्टैम्प ऑफ माई सेल्फ वन सेल्फ। इसलिए ही इज नॉट अ डूअर, उसने बनाई मगर वो अपना स्टैंप नहीं लगाता, मैंने बनाया ऐसा सब जगह में लिखा है मेड बाय गॉड क्रिएटेड बाय, ऐसा लगा कहीं भी नहीं लिखा। हाँ वो अपना स्टैंप नहीं मारता क्योंकि ही इज नॉट अ डूअर, ही इज क्रिएटर। सो रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन डूअर एंड क्रिएटर। वेन वी चेंज अवर साइकोलॉजिकल एटीट्यूड बिटवीन डूअर एंड क्रिएटर, वी स्टार्ट बिकमिंग ए क्रिएटर एंड नॉट बिकमिंग ए डूअर, देन वी स्टार्ट रीचिंग स्लोली टू द हायर लेवल ऑफ थॉट। हम थोड़ा थोड़ा ऊपर जाते हैं, जब हम ऊपर जाते हैं धीरे धीरे करके हम ऊपर जाते हैं, नहीं तो यही का यही है सब कुछ। आज जो जन्म मिला, जो शरीर मिला, अरे मुझे इतनी हाइट मिली, 5 फुट 2 इंच का मेरी हाइट है, क्या करूं, और नेक्स्ट टाइम दूसरी मिलेगी। बॉडी क्या है, प्रकृति, हाँ प्रकृति स्थान ही करता, बहुत सारे श्लोक है उसके ऊपर, मगर हम लोग आगे जाएंगे, वी हैव टू गो फर्दर। ये श्लोक हम लोगों ने काफी लंबा चलाया, इसके अंदर बहुत सारा चैलेंजिंग पॉइंट भी था, वो हम लोगों ने स्टडी किया, बट वी विल गो फर्दर। सो ये जो इसके आगे का जो श्लोक है, 4th chapter 14th श्लोक मैं चैंटिंग करूंगा, प्लीज रिपीट बिहाइंड मी एज मच एज पॉसिबल यू कैन डू। नमा कर्माणि लिम्पन्ति, कर्माणि लिम्पन्ति, न मे कर्मा फले स्पृहा, इति मायो विजानाति, कर्माभिर्ना सबध्यते, भिर्ना सबध्यते। हाँ नमा कर्माणि लिम्पन्ति, अभी देखिए आगे चलते हैं भगवान, हाँ अभी काम करते हैं, व्हाट द मीनिंग, एक्टिविटीज डू नॉट टेंट मी,
मैं जो काम करता हूँ, कर्म करता हूँ, कर्म और एक्टिविटी इतना बकवास ट्रांसलेशन है ना, कर्म का ट्रांसलेशन एक्टिविटी नहीं हो सकता, एक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म तो मन से भी होता है, एक्शन तो फिजिकल के साथ में कनेक्टेड होती है. एनीवे, तो बट वी हैव टू ट्रांसलेट अनफॉर्चुनेटली इन इंग्लिश ऑल्सो. सो एक्टिविटीज डू नॉट टेंट मी. एक्टिविटीज डू नॉट टेंट मी, नॉर डू आई डिजायर द फ्रूट ऑफ एक्शंस. न मे कर्म फले स्पृहा, नहीं मे, मुझे कर्म फल में मुझे स्पृहा नहीं है. और नमा कर्माणि लिंपंती, कर्म मुझे लिंपत, मुझे लेप नहीं करता. लेप मतलब वो लड़कियां करती है ना, मेकअप फेस के ऊपर लेप करती है, या जो बड़े बड़े वो जो बताते हैं ना अपने चंदन का लेप वगैरह करते हैं, लेप कहते हैं उसे लिंपंती. लिंपंती, एक्टिविटीज डो नॉट टेंट मी, नॉर डू आई डिजायर द फ्रूट्स ऑफ एक्शन. और इति एंड में, लास्ट में, अल्टीमेट, जो इतिमाम यो बिजानाति, इतिमा यो बिजानाति, जो इसे जानता है, वन हु नोज मी इन दिस वे, ये तरीके से मुझे एंड तक जो मुझे जानता है, इतिमाम यो बिजानाति, नेवर बाउंड बाय कर्मिक रिएक्शंस ऑफ द वर्क, उसको कर्म फिर न सबद्यते, उसको कर्म बंधन नहीं लगता. ये इसका ट्रांसलेशन है, मुझे कर्म का लेप नहीं होता और मुझे कर्म के फल में स्पृहा नहीं है. मेरा ये रूप, भगवान का ये जो रूप है, वो जो जानता है, इति पूर्णतः जानता है, वो व्यक्ति को कर्म फिरना सबद्धते, उसे अपने कर्म का बंधन नहीं लगता. ये इसका ट्रांसलेशन है. अभी इसका ट्रांसलेशन आप मुझे टोरंटो में, मैं जॉब करता हूँ उसमें, मुझे समझ, क्योंकि हमारी तो प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी ऑफ द गीता है ना, देखते हैं, राइट. तो पहले तो टेंटिंग बाय द कर्मा, इति नमा कर्माणि लिंपन्ति. हाँ, टेंटिंग बाय द कर्म, भगवान कहते हैं कि मुझे कर्म का लिंपन, मतलब मेरे ऊपर कर्म का लिप्य नहीं होता, ऐसे भगवान कहते. मैंने काम किया, भगवान ने आगे कहा ना, मैं क्रिएटर हूं, मगर मैं कर्म उसका जिम्मेदारी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि उसको लिंपन नहीं होता. हाँ, एग्जाम्पल लेंगे, एक अगर केस चल रहा है, जज है, बराबर केस चल रहा है, मर्डर का केस है कोर्ट में, हाँ प्रूफ हो गया, ज्यूरी ने भी बोल दिया, वर्डिक्ट, हाँ वर्डिक्ट दे दी ज्यूरी ने, क्या पॉजिटिव है, गुनहगार है. हाँ, तो फिर जज बोलता है, एज पर द लॉ एंड द एविडेंस इज प्रोवाइडेड इन फ्रंट ऑफ मी. हाँ, ऐसे. अरे आजकल लॉ भी क्या, एविडेंस को, अगर एविडेंस किसने नहीं दिया गलती से, तो बेचारा फंस जाएगा. एनीवे, उसके बारे में नहीं बात करें. तो जिस जो, हाँ, हमारे सामने जो एविडेंस पेश किए गए हैं और ज्यूरी ने जो नक्की किया है, उसके हिसाब से ये आदमी को फांसी पे चढ़ा दो, 10 साल की जेल कर दो, ऐसे बोलते हैं ना, जैसे बोलते हैं ना. हाँ, और वो भी कैसे हिसाब से, एज पर द पिनल कोड. हाँ, कायदे के अंदर अगर ऐसी गुनाह है तो उसकी ये सजा होने के कारण ये व्यक्ति को 14 साल बामुशक्कत जेल में डाल दो, ऐसे कहते हैं ना. तो फिर उसके बाद में जज जब नीचे उतरता है, उसको पुतने को, अरे तुमने उसको 14 साल के लिए जेल में दिया, मायने नहीं किया, है ना. जज बोलेगा कि नहीं, मगर जजमेंट तो तुमने दिया, मायने नहीं किया, ना लिप्यमते. हाँ, जज को, वो घर पे जाएगा, उसको इतना भी, उसके इतना भी बाल इधर का इधर हिलेगा नहीं. हाँ, वो घर पे जाके मस्त आराम से अच्छा खाना खाएगा और आराम से सो जाएगा, उसको कुछ भी गिल्ट नहीं लगेगा. क्यों? मैंने नहीं किया ये कर्म, मैंने नहीं किया. कहां से ये स्टेटस आया? हाउ दैट स्टेटस ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल स्टेटस ऑफ दैट काइंड इज कमिंग फ्रॉम वेयर, ये इंपॉर्टेंट है. कहां से आया, किसने किया, ये समझना पड़ेगा. अगर ये किया तो नमा कर्माणि लिंपन्ति, जो मेरा ये रूप जानता है, तो हम भी अगर रोज काम करेंगे तो वो काम का हमको, उसको हमको चिटकेगा नहीं. हाँ, द बाइंडिंग ऑफ द कर्मा फॉर अस एंड वाई नॉट फॉर द गॉड. हाँ, भगवान करे, हाँ कृष्ण करे थे लीला, ना हमें करिए थे पाप, गुजराती में ऐसा बोलते हैं. हाँ, कृष्ण करे थे लीला, हम करे थे पाप, ऐसे कैसा, ऐसे पूछने वाले हैं, कृष्ण को भी पूछने वाले हैं लोग इधर. हाँ, तो ओनरशिप ऑफ द फ्रूट थ्रू विच इज एन एफर्ट. हाँ,
ये डिफरेंस है पहले हमारा और भगवान के कर्म के बीच में। हमारा जो कर्म होता है उसमें पहली तो ओनरशिप ऑफ द कर्म होती है, मैं करूंगा, आई विल डू इट, ये सबसे पहले हमारे कर्म के अंदर शुरू होता है। और वो शुरू कैसे होता है, विश इज एन एफर्ट, या विश होती है और साथ में एफर्ट होती है, और वो दोनों का स्टैंप जब लगता है तो कर्म चालू होता है। और वो जब कर्म वो कर्म चालू होता है तो हम उसके ऊपर ओनरशिप का स्टैंप लगा देते हैं, दिस इज डन बाय मी। अगर तुमने बोल दिया कि दिस इज डन बाय मी तो फिर उसका फल तुमको लिपट के ही रहेगा। इसके लिए भगवान का कर्म उसको लिप्यते नहीं होता और हमको होता है। दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज अ वेरी फर्स्ट रीजन व्हाई द टेंटिंग ऑफ द कर्म इज नॉट विद द गॉड। और दूसरा एफर्ट ऑन द अदर्स ड्यू टू ओवर एक्शन, ये भी होता है ना? ये तो थोड़ा बहुत भगवान को भी बेचारे को होता है, ऐसा बोल सकते, कैसे होते देखेंगे। तो इफेक्ट ऑफ ऑन द अदर्स, हाँ अगर मैंने किसी के साथ झगड़ा किया, किसका पॉकेट ले लिया, किसको गलती से कुछ गलत कर दिया, नेचुरली जब उसको पता चलेगा कि मेरे साथ ये गलत हुआ तो वो आपके सामने रिवेंज लेगा, कुछ तो करेगा। तो आप अपने कर्म को लेकर भाग नहीं सकते, देयर विल बी अनदर पर्सन, देयर विल बी सम अदर एफर्ट डन बाय द अदर पर्सन। तो इसका इफेक्ट है, इसका इफेक्ट है, इसलिए आप कर्म को छोड़ नहीं सकते, कर्म आपको छोड़ेगा नहीं। ऐसा कहते हैं कि और 4, 7, 5, 7, 10 जन्म के बाद में भी कर्म छोड़ेगा नहीं। हाँ हमारे में एक अणी मांडव्य ऋषि की कथा है, किसको कर्म कैसे नहीं छोड़ता है उसका हमारे में बहुत महात्म्य है। अणी मांडव्य ऋषि की कथा है, एक कुछ राज किंगडम था, उसमें एक राजा था, वहाँ कुछ गड़बड़ हो गई, सब क्राइम हो गया, तो बोला किसने किया किसने किया, पता नहीं चला किसने किया। तो फिर ये अणी जो ऋषि थे मांडव्य ऋषि, वो मांडव्य ऋषि का आश्रम देखा, उसके वो जो सोल्जर थे उसने वो उसको पकड़ के उसको पूछा क्या तुमने किया तुमने किया, उसने कुछ आंसर नहीं दिया, वो ध्यान योग ध्यान में थे। तो बोला इसने किया लगता है, चुप है, हाँ साइलेंस इज एग्रीमेंट, ऐसे। अरे आजकल के भी सेंटेंस उसी को ही मैच होते हैं, हाँ साइलेंस मीन्स एग्रीमेंट। तो बेचारे वो तो मौनी थे, तो उसको बोला ये एग्रीमेंट, इसको चढ़ा दो शूली पे, तो चढ़ा दिया शूली। अभी शूली का मतलब अभी आजकल तो ऐसी पनिशमेंट भी नहीं होती, एक ऐसा शूल होता है, शूल मतलब ए पॉइंटेड वुडन पोल, हाँ उसके ऊपर उसको ऐसा खच करके पिन कर देने का। सोचते हैं हम भी हिल जाते हैं, इसमें मांडव्य को कर दिया पिनिंग, पिनिंग ऑफ मांडव्य, मगर मांडव्य मरे नहीं। मगर मांडव्य को अंदर से जब परिताप हुआ तो उसने बोला ठीक है, पूरे के पूरे राज्य का किंगडम का टॉयलेट बंद कर दो। वो सबको पेट में परेशानी हो गई बहुत, बोला अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गई। राजा बोला इतना कोई बहुत बड़े सन्यासी का बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया लगता है, हमारी गलती हो गई है, ढूंढो ढूंढो कौन है कौन है। ओ ढूंढा 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 कोई क्या हुआ, व्हाट आर द लेटेस्ट यू नो एक्शंस विच आर डन बाय द किंगडम टू द पीपल। तो उसमें बोला एक हुआ था, एक आदमी था चुप रहा था, हमने उसको शूली पे चढ़ा दिया, हाँ शूली पे चढ़ा दिया। अरे ऐसा क्या, उतारो उतारो, अभी उतार नहीं सकता है, 14 डेज हो गए वो उसको, ही गॉट बॉन्डेड। हमारे में नहीं होता वो लोखंड का किला डाल देते हैं, बाद में वो किला फ्लैश के साथ में जाम हो जाता है ना, वो क्या वो करते हैं बोलते हैं वो टेटू नहीं क्या बोलते हैं उसको, वो पिनिंग करते हैं ना, यहाँ लगा दिया यहाँ लगा दिया, हाँ तो हो जाता है ना मीट के साथ में मिक्स हो जाता है ना, तो मांडव्य को वो मीट के साथ में मिक्स हो गया, अभी कर नहीं सकते तो क्या करे, काट दो। वो शूल को काट दिया आगे और पीछे से, लकड़ी को काट दिया, तो उसका नाम हो गया अणी मांडव्य। अणी मतलब पॉइंटेड पिनट, पॉइंटेड जिसको लग गया है, ऐसे अणी मांडव्य। राजा ने माफी मांगी, उसने माफ तो कर दिया कि तुझे पता नहीं था तेरी गलती थी, मगर तुझे पता नहीं था गलती, नॉट बिकॉज ऑफ ए मीन एक्शन, तो इसके लिए तुम्हें मैं माफ करता हूँ। मगर अणी मांडव्य गुस्सा हो गए, वो सीधे जाके चंद्र चित्रगुप्त के पास बोला मुझे, मैं तो ऐसा कुछ भी याद नहीं कि मैंने किसी को ऐसा किया हो, मुझे ये दुख क्यों पड़ा। वो चित्रगुप्त का निकाला पूरा का पूरा पेज, कोरा का कोरा, खाली 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 खाली। अरे परेशान हो गए, हाँ धर्मराज इसका तो पूरा खाली है, इसको ऐसे कैसे पनिशमेंट मिला। 8-10 जन्म के पहले के बाद उसने एक छोटा सा बच्चा था, तो उसने एक छोटा सा कांटा था, वो एक वो जो बटरफ्लाई होता है उसके पीठ में कुआं दिया था, उसका परिणाम उसको 10-15 जन्म के बाद उसको मिला, और उसको अणी मांडव्य करके उसको वो मिला। तो उसने पूछा अच्छा
ये जो बच्चा था उसकी उम्र कितनी थी? बोलता है तुम वो था 5-6 साल का बच्चा था। बोलता है 5-6 साल के बच्चे को कर्तव्य का अनुबोध नहीं होता, 5-6 साल के बच्चे को कर्तव्य का बोध नहीं होता। तुमने उसकी मुझे सजा दी, इसलिए तुम धर्मराज गलत हो। इसलिए हणी मांडव्य ने कहा कि 14 ईयर्स तक का कोई भी बच्चा अगर कोई भी गलती करे तो उसको उसकी सजा वो नहीं मिलनी चाहिए जो एक एडल्ट व्यक्ति को मिलनी चाहिए। वो उतने जमाने का आज की तारीख में जुवेनाइल कोड है, आज की तारीख में जुवेनाइल कोड उसके बेस के ऊपर है, हणी मांडव्य के ऊपर। और फिर बोलते हैं कि उसने बोला धर्मराज को शाप दिया, तूने गलत जजमेंट दिया था इसलिए तुझे भी कलयुग आना पड़ेगा, और उसके धर्मराज के रूप में धर्मराज युधिष्ठिर पैदा हो गए, इसलिए युधिष्ठिर का जन्म हणी मांडव्य के शाप में से हुआ, ऐसा पुराण है। पुराण सुनने में मजा आती है मगर साथ में शास्त्र से बनना चाहिए, क्योंकि शास्त्र ही हमारा बेस। तो हम लोग एक काम करेंगे, टाइम भी हो गया आज, हम लोग ये नमा कर्माणि लिपिपंती नवे कर्म फले स्पृहा, स्पृहा के बगैर कर्म कैसे होगा, ये हम लोग नेक्स्ट टाइम आएंगे और उसके बारे में और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतिमा यो बिजानाति कर्म भेरना न सबद्यते, ऐसा लिखा है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, रिटर्न ऑफ द बिहेवियर एंड एक्शंस इज नॉट एप्लीकेबल। हाँ, मुमुक्षु आगे आएगा, वो यही सब एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि खाली बताने से नहीं होता, उसका आगे एप्लीकेबिलिटी भी देखनी पड़ती। So that is how God is explaining us. हम लोग आएंगे और ये स्पृहा वर्ड है, और the knowing the God has his qualities, भगवान जो मुझे ऐसे जानता है वो कर्म में लिप्त नहीं होता, तो भगवान को कैसे जाने उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टाइम आएंगे, सेम टाइम संडे को, और आगे फोर्थ श्लोक 14th श्लोक ऑफ 4th chapter देखेंगे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अभी हम सब लोग आरती करेंगे।